Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing a chapter punctuation marks, and this is session one. In this, we will learn sentence boundaries. On which are the sentence boundaries marks? That is the capital and period. Actually, there are four sentence boundaries marks, but here I am teaching you two marks first, capital and period. And what is the capital? Capital is a capital letter. Whenever you write any proper name, you will have to write the first letter is always the capital, and period is full stop. Let's start the session. Punctuation marks can be broadly divided into two broad categories. कितने भी पंचुएशन मार्क्स है आपको पता है उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. पहले पंचुएशन मार्क्स है सेंटेंस बाउंड्री और दूसरा पंचुएशन है डीमार्केशन ऑफ लैंग्वेज यूनिट्स विद इन अ सेंटेंस. तो जब हम दो तरह से इतने से 17 पंचुएशन मार्क्स है हम इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. तो द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स कैपिटलाइजेशन पीरियड एक्सक्लेमेशन एंड इंटरोगेशन. तो जो फर्स्ट कैटेगरी है सेंटेंस बाउंड्री उसमें चार है कैपिटलाइजेशन पीरियड एक्सक्लेमेशन एंड इंटरोगेशन. और इस सेशन में मैं आपको कैपिटलाइजेशन एंड पीरियड बताऊंगी. द सेकेंड कैटेगरी इंक्लूड्स कॉमा सेमीकोलन कोलन एपोस्ट्रॉफी एंड इन्वर्टेड कॉमाज. तो सेकेंड क्या है डीमार्केशन ऑफ यूनिट्स. तो इसमें ये है कॉमा सेमीकोलन कोलन एपोस्ट्रॉफी एंड इन्वर्टेड कॉमा. तो इस जो पर्टिकुलर सेशन में हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन एंड पीरियड या फुल स्टॉप. लेट्स स्टार्ट द सेशन. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड विद पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नाउन्स. आपको पता है जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या है प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन कौन सा आई. आई इज ऑलवेज कैपिटल. इन सर्टेन पोजिशंस इन सेंटेंसेज वो जो पर्टिकुलर नाउन्स है जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी पोजिशन में आए किसी भी भाग में आए तो हम कैपिटल ही लिखेंगे. एंड विथ सम एडजेक्टिव्स और जब कुछ एडजेक्टिव्स के साथ हम क्या करते हैं हम कैपिटल का यूज करते हैं कैपिटल लेटर लिखते हैं. यू मस्ट ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका बिगिनिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होता है. द फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन आई. आई हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है जो चाहे सेंटेंस में हो किसी भी पोजिशन में हो. तो आई एम विथ हिम इन हिज फाइट फॉर जस्टिस. तो यहाँ देखो आई बिगिनिंग में है तो वैसे भी दो कारणों से आई कैपिटल होगा. पहला द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड दूसरा पर्सनल प्रोनाउन आई है. जैसा ही इजंट लाइक आई एम यहाँ पर क्या एंड में है आई लेकिन फिर भी आई कैपिटल है क्योंकि ये दूसरा कारण जो है दूसरा रूल इसे कैपिटल बनाता है. नाउ जितने भी एक्रोनिम्स हैं जब हम बड़े बड़े जो नामों के जब हम एक्रोनिम्स लगाते छोटे नाम हम बनाते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं हर एक लेटर कैपिटल होता है. जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो एच ओ डी सर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर. नाउ जितने भी कंट्रैक्शंस होते हैं उनमें हम जो है कैपिटल लगाते हैं. जैसे वाईफाई में देखो फिर यहाँ दे आर I am, you are, जितने भी कंट्रैक्शन है हम उसमें क्या करते हैं हम apostrophe, कंट्रैक्शन हम इसमें क्या कर रहे हैं हमने कैपिटल लगाया. यूज कैपिटल लेटर sometimes फॉर हेडिंग्स. कभी कभी जब हेडिंग्स हम दिखाते हैं हेडिंग्स में हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर लगाते हैं. टाइटल्स ऑफ आर्टिकल्स आपको एम्फेसाइज करना है उसको इम्पोर्टेंस देना है. आप जब होर्डिंग्स देखते हो सब कैपिटल लेटर में लिखा रहता है. आर्टिकल्स के टाइटल्स कैपिटल में आपको दिखते हैं टाइटल या बुक्स के जो टाइटल्स है वो कैपिटल में रहते हैं और न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी कभी कभी कैपिटल में रहते हैं. जैसे यहाँ देखो चैप्टर टू क्लिंटन्स अर्ली लाइफ फाउंड ऑन मार्स. तो ये क्या है हेडलाइन है तो यहाँ पर हमने क्या किया टाइटल है आर्टिकल का तो यहाँ हमने सब कुछ कैपिटल में लिखा है. इससे क्या होता है दूर से हमें पता चलता है कि हाँ ये जो है कैपिटल में है और इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज इसको किया गया है. तो दिस आर ऑल रिटन इन कैपिटल लेटर. टू रिमेम्बर ऑल द स्पेसिफिक कैटेगरीज. अब
कितने सारे कैटेगरीज है जहां पर हम कैपिटल का यूज करते हैं। तो इतने सारे कैटेगरीज को अगर दो सेंटेंस आप याद कर लो तो सारे कैटेगरीज आपको याद हो जाते हैं। तो वो जो सेंटेंस है ये है, फॉर बॉब बॉकर द प्राइस इज समटाइम्स रॉन्ग मॉम सेज। तो यहाँ पर एफ जो है देखो फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस, ये बी है बिल्डिंग्स नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर मैन मेड स्ट्रक्चर, ये बार्कर का बी है बॉर्डर्स, बॉर्डर्स ऑफ और रीजन स्टेट्स कंट्री जितने भी नाम है वो सब आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं। देन टाइटल्स, टी फॉर टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स हैं वो कैपिटल। देन पी फॉर पीपल, नेम ऑफ पीपल, ये क्या है सब कैपिटल में। फिर आई, आई इज पर्सनल प्रोनाउन आई। देन एस, ऐसे जितने भी स्कूल्स के नाम है जितने भी वो सब कैपिटल में। फिर W, जितने भी वाटर बॉडीज है वो सब कैपिटल में। उसके बाद M, M इज ऑल माउंटेन्स एंड S फॉर स्ट्रीट्स, जितने भी रास्तों के नाम है। तो इन सब में हम कैपिटल लगाते हैं। तो अगर आप ये दो लाइन लर्न कर लो, फॉर बॉब बॉकर द प्राइस इज समटाइम्स रॉन्ग मॉम सेज, तो आपको पता है कि अगर कोई पैराग्राफ है जिसमें कैपिटल नहीं यूज हुआ तो आपको कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर लगाना है। नाउ व्हेन टू अवॉइड कैपिटल्स, बहुत बार होता है कि हर जगह कैपिटल हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हाँ आपको पता है अल्फाबेटिकल स्मॉल लेटर्स भी होते हैं और स्मॉल लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो कैपिटल लेटर्स है आपको पता है कहाँ यूज करना है, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज नहीं करना है वो मैं बता दूं। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो बहुत स्पेस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं हम इनको जहाँ जरूरत है वहीं लगाते हैं। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं वो स्पेस भी कम लेते हैं, उनके जो साइजेस होते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे लाइक द लेटर बी, बहुत सारे स्मॉल लेटर्स हैं जो ऊपर की तरफ, वो उनका जो शेप है ऊपर की तरफ रहता है, जैसे बी आपने देखा। कुछ लेटर्स हैं जो नीचे आते हैं जैसे पी, तो इस तरह से इनमें वेरिएशन रहता है। कुछ जो लेटर्स रहते हैं वो मिडिल में रहते हैं जैसे ए सी ई, वो मिडिल में रहते हैं। तो जब हम कैपिटल लेटर हम करते हैं तो हम देखते सेम हाइट है उनकी। तो हम जब बुक रीड करते हैं तो वी रीड फास्ट, तो फास्ट रीड करने में हम लेटर नहीं हम वर्ड्स पढ़ते हैं। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो हमारी रीडिंग को बहुत ज्यादा फास्ट बनाते हैं। तो इसीलिए बहुत बार होता है कि हम कैपिटल हर जगह यूज नहीं करते। नाउ आई यहाँ पर देखो, आई लव टू टीच एंड सो माई प्रोफेशन इज टीचिंग, तो यहाँ मैंने स्मॉल लेटर्स लिखा है सिर्फ रूल के हिसाब से, फर्स्ट लेटर इज योर कैपिटल। लेकिन यहाँ जब हम पूरा कैपिटल लिखेंगे तो देखो इंग्लिश इज माई सब्जेक्ट, ये पूरा कैपिटल है। इस पूरे कैपिटल के कारण आप देखोगे आप जो रीडिंग है आपकी फास्ट नहीं होती। ये तो सिर्फ एक सेंटेंस है, अगर पूरा पैराग्राफ कैपिटल में है तो सही में दिक्कत होती है। ईमेल एड्रेसेस एंड डोमेन नेम्स में कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं होता। Do not capitalize titles, use a general words. हमेशा याद रखिएगा अगर general sense में आप titles लिख रहे हो तो उनको आप capitalize नहीं करोगे। जैसे the governor attended the meeting, यहाँ पर जो G है वो general sense में आया, governor general sense में आया है, तो हम जो G है वो small लिखेंगे। Do not capitalize the titles that follow names. अगर नाम के नाम को follow कर रहा है कोई वो title, तो हम वहां पर title को जो है वो capital में नहीं लिखेंगे, जैसे governor of Mumbai. Do not capitalize short prepositions. कभी कभी अब कहाँ capital नहीं करना है क्योंकि you will have to avoid capital. Short prepositions में conjunctions, articles, यहाँ पर क्या है हम capital letters अगर sentence के बीच में है तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो हम वो यूज करना है कैपिटल लेटर। डो नॉट कैपिटलाइज द नॉन स्पेसिफिक यूज ऑफ द वर्ड गॉड। अब गॉड हम हमेशा जी जो है कैपिटल कब लगाएंगे, जब गॉड इज मर्सीफुल, तो जी कैपिटल फर्स्ट में है इसलिए हमने जी कैपिटल लिखा। लेकिन अगर हम उस गॉड को हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो इंडियंस वर्शिप मेनी गॉड्स, तो यहाँ पे देखो जी जो है वो स्मॉल में है, वो कैपिटल में नहीं है।
डू नॉट कैपिटलाइज डायरेक्शंस व्हेन यूज्ड एज कंपास डायरेक्शंस. जब हम डायरेक्शंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस के अगर बीच में वो डायरेक्शन आ रहा है तो हम उसको शॉर्ट में स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं. जैसे यहाँ देखो, आई लिव 2 miles साउथ ऑफ द रेलवे स्टेशन, तो जो एस है वो कैपिटल नहीं है. Do not capitalize the names of seasons if they are used generally. अगर general sense में seasons use हो रहा है तो भी capital letter नहीं होगा. This has been a cold winter. यहाँ देखो W जो है small में है. Do not capitalize century number, जैसे 25th century. यहाँ पर आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, capital का use नहीं कर रहे हैं. Do not capitalize the first word of a list following a colon. अगर आपने कोई लिस्ट लिखी है और कोलन दिया है तो जो फर्स्ट वर्ड है कोलन के बाद वो कैपिटल में नहीं होगा, until and unless it is a proper name. तो वी नीड फ्यू आर्टिकल्स टू बाय, जैसे पेन, इरेजर, पेपर्स एंड पेंसिल्स. तो पी जो है वो स्मॉल लेटर में है. और ये देखो ये कोलन है, कोलन के बाद पहला वर्ड पेन है और पेन जो है पी जो है स्मॉल लेटर है. Now, up comes to period. Period means full stop. Full stop is the British English term for this punctuation mark. Full stop, जब हम British English, हम British जो है इसको full stop बोलते हैं, लेकिन American इसको period बोलते हैं. हम दोनों बोलते हैं, कभी full stop, कभी period. You can break up the sentence. हम full stop से क्या होता है, अगर कोई paragraph है और आपको break करना है sentence, एक आपने एक thought complete कर लिए तो आप full stop लगाते हो. You can break up the sentences using the full stop at the end of a logical and complete thought. Phrase के बाद नहीं, clauses के बाद, एक complete sentence के बाद. Complete sentence कब होता है, जब एक logical and कंप्लीट थॉट जब एंड होता है तो वहां पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं. नाउ कहां कहां यूज होता है देख लो. एट द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस है उसके एंड में ये फुल स्टॉप लगता है. आई एम अ टीचर एंड टीच इंग्लिश, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन इंक्लूड एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं. आप जब मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेशन में जाओगे तो आपको वहां पता चलेगा कि कैसे फुल स्टॉप लगाया जाता है इनडायरेक्ट में. यहाँ आप देख लो, शी आस्क्स इफ इट वर ट्रू, तो यह इनडायरेक्ट है तो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया है. नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पता है जो कमांड, रिक्वेस्ट. लेकिन अगर हमने बहुत ही माइल्ड वे में हमने कोई कमांड दिया है, हम बहुत ज्यादा हम हार्श टोन में नहीं बोल रहे, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम पीरियड्स यूज करते हैं. जैसे राइट अगेन सून, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है. और ये जो कमांड है फोर्सफुल कमांड नहीं है, दिस इज अ कमांड बट नॉट फोर्सफुल. जो भी फोर्सफुल कमांड होते हैं उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं. ना जितने भी एब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स हैं, जो छोटे फॉर्म्स हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पीरियड्स लगाते हैं, फुल स्टॉप. जैसे बी बी सी, ए एम, मिस्टर, तो आपने देखा यहाँ सब फुल स्टॉप लगे हुए हैं. एज एन एलिप्सिस, अगर हम कुछ लिख रहे हैं और हमें हमारी थॉट पूरी नहीं हुई है तो हम, और हमें बताना है कि वी आर स्टिल टू कंटिन्यू, तो हम एलिप्सिस लगाते हैं. जो 3 dots होते हैं इनसे क्या होता है, इसका मतलब है कि हमें और भी कुछ कहना है. वी आर नॉट येट, वी हैवंट येट कंप्लीटेड. ही इज ऑलवेज लेट बट यू नो हाउ आई फील अबाउट दैट डॉट डॉट डॉट. नाउ शी वॉन्ट्स टू से समथिंग मोर बट शी इज नॉट सेइंग, बट इट इज अंडरस्टूड दैट शी वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग मोर. तो डॉट 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 एलिप्सिस. Now, in a greetings or a command, जब हम किसी से मिलते हैं या कमांड देते हैं, जैसे गुड बाय, स्टॉप, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं. यहाँ कमांड भी फोर्सफुल कमांड नहीं है. इन अ नंबर, जिसको हम डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं, नंबर में हम फुल स्टॉप या पीरियड्स का हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम पॉइंट बोलते हैं. जैसे $10.43, तो $10.43. 14.17, 14.17. फिर हम पीरियड्स का यूज कहाँ करते हैं, हम वेबसाइट एड्रेसेस में हम पीरियड्स का यूज करते हैं. जैसे www.dictionary.com,
तो यहाँ पर इसको हम डॉट बोलते हैं, है ये फुल स्टॉप की तरह ही वो मार्क है। यहाँ पर जब भी हम वेबसाइट एड्रेसेस लिखते हैं हम डॉट लगाते हैं। So what have we learned today? We have learned use of capital and period. In the next session, I'll be here with the two more punctuation marks of the sentence boundary. Till then, have a good revision of these two marks. Thank you.